ये देखिए गाइस, एकदम यम्मी टेस्टी डिलीशियस पोहा बनकर रेडी है। तो चलिए आज हम ये बनाते हैं रेसिपी में। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनी है। और ये बिगनर के लिए बहुत बहुत इजी है, 5 मिनट में बनकर रेडी होती है ये हमारी मसाला पोहा। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। गाइस, आज एक बहुत टेस्टी बहुत यम्मी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा जो कि 5 मिनट में बनेगा, और जो नए बिगनर हैं जो लोग, वो बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पोहा है, और ये देखिए मोटा वाला पोहा है, बिल्कुल मोटा भी नहीं है और बिल्कुल माही महीन भी नहीं है, ये बीच मीडियम का पोहा है। तो इसको हम पानी से वॉश करेंगे पोहे को। ये देखिए इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जिस जो इसमें इम्प्योरिटी है वो सारी निकल जाएंगी। तो इसको दो पानी, देखिए कितना गंदा पानी निकला हुआ है, तो इसी तरह से 2 बार वॉश करेंगे। ये देखिए गाइस कि हमने धुल के एकदम साफ कर लिया है। ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे चीनी, ये हमारी 1 स्पून चीनी है। तो इसमें चीनी डालेंगे, आप लोग कह रहे हो कि चीनी डालने से मीठा हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब इसमें डालेंगे 1 स्पून नमक। ये देखिए स्वाद अनुसार डालना है नमक, तो हमने 1 स्पून डाल लिया है, और जो कम पड़ेगा वो बाद में डालेंगे। और देखिए ऐसे करके हिला देंगे, और पानी बिल्कुल भी देखिए हमने नहीं रखा है इसमें। ठीक है, और एक बार चीनी डालने से ये मीठा नहीं हो जाएगा, चीनी डालने से जो इसका स्वाद है ना, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी आएगा। ठीक है, और ये हम बिगनर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमने अपने चैनल पे चेक किया है तो लगभग लगभग हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बिगनर ही हैं, जो नया सीखना चाहते हैं कुछ। तो चलिए बिल्कुल 5 मिनट में बनाते हैं ये टेस्टी नाश्ता। ये देखिए हमने फ्लेम ऑन कर दी है। ठीक है, तो अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, जो कि हम 1 स्पून ऑयल डालेंगे। आप जो ऑयल खाते हो वही डालिए, हम मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो उसको डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको होने देते हैं फ्लेम को, फिर बताते हैं। ये देखिए ऑयल हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे मूंगफली पीनट, और आप अगर आपके पास रोस्टेड रखी हूँ पीनट तो आप वो भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं थी तो हम रोस्ट कर लेंगे। और अगर नहीं भी डालना चाहते हैं आप तो ना भी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हम फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी मूंगफली बन चुकी है, तो इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए ये ऑयल बचा है, उसी में ये हम कुछ बादाम और कुछ काजू भून लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए इस समय जो कोरोना का टाइम है ना, तो इस समय हेल्दी खाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बिगनर के लिए जो नहीं बना पाते हैं जल्दी से लंबी लंबी डिशेस, तो ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए उनको ऐसे हिलाते हुए अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। रफली चॉप किए हुए, बहुत बारीक चॉप करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अब हमने ये भी भून चुके हैं, तो इनको भी हम अलग निकाल लेंगे। ये देखिए 1 स्पून ऑयल हमने इसमें बढ़ा लिया है, और अब इसको होने देते हैं, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए ये हमारा राई या सरसों दाना 1/2 टेबल स्पून, इसको डाल के चटका लेंगे अच्छे से। ये देखिए ये चॉप की हुई अदरक, मिर्च हरी 2 मिर्च हैं, इनको इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए 4 हमने फुल मिर्च डाली है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे नहीं खा पाते, तो ये बड़ी वाली मिर्च निकाल लेंगे फुल वाली। और ये टमाटर इसमें ऐड किया। ये देखिए अब इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर देंगे, और इनको आराम से भून लेंगे हल्का हल्का, ज्यादा फ्लेम तेज नहीं करेंगे। और टमाटर भी हमको कोई सॉफ्ट नहीं करने, बस इतना भूनना है कि मसाले भून जाए अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा 4 से 5 चिटकी हमने नमक ले लिया है, जो कि इसमें हमने डाल दिया,
जिससे कि जो मिर्च है और टमाटर है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, देखिए गाइस, स्पून से या चम्मच से किसी से भी ऐसे बीच बीच में अपने ये जो है पोहे उनको ऐसे हिलाते रहेंगे जिससे कि हमारे जो पोहे बने सॉफ्ट बने और बिल्कुल अलग अलग बने, तो इनको ऐसे हिलाते रहेंगे। और एक गाइस बात, आप इसमें सब्जियां वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च है, बीन्स है, फ्रेंच बीन्स है, ये आप ऐड कर सकते हैं। हमने नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल हल्का सा बताया है। देखिए ये हमारा हो चुका है, अब इसमें हम ये अपना हम सारा का सारा पोहा ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मिलाएंगे पोहे को, बिल्कुल ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। ठीक है, नमक डालते हैं, देखिए हाफ टेबल स्पून है, क्योंकि हमने नमक कई बार में डाला है तो थोड़ा थोड़ा अपना स्वाद को देखते हुए नमक को ऐड करना है। ठीक है, और अब इसको हम बिल्कुल चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे कि इसका कलर वगैरह इवन हो जाए, अच्छे से हो जाए। ठीक है, देखिए गाइस लगभग लगभग बढ़िया से हो गया है। और अब इसमें हम देखिए मूंगफली है जो डाल देंगे, थोड़ी सी बचा ली है डेकोरेट के लिए। बादाम और काजू जो थे वो भी डाल देंगे इसमें, थोड़ी सी बचा लेंगे डेकोरेशन के लिए। और इसको अच्छे से मिला के फ्राई करेंगे। देखिए गाइस, इस पर थोड़ा सा खट्टापन और चटपटा स्वाद देने के लिए हम डालेंगे चाट मसाला, एक स्पून डाला हुआ है, और अच्छे से मिला देंगे। आप ज्यादा खट्टा पसंद करते हो तो आप इसमें एक लेमन भी डाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ ज्यादा खट्टा कोई नहीं पसंद करता, इसलिए हमने सिर्फ चटपटा स्वाद देने के लिए चाट मसाला ऐड किया। और बस रेडी है। आप इस वक्त धनिया भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं थी तो हमने नहीं ऐड करी है, तो ये बन के तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, इस बाउल में हमने कर लिया और धीरे से ऐसे प्लेट को ऐसे किया दबाते हुए, और धीरे से उठाएंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखिए इतना यम्मी है। और इसको अब हम गार्निश करेंगे अपनी हरी मिर्च से और कुछ मूंगफली दाने और काजू और बादाम से। ये देखिए कितना यम्मी और टेस्टी दम पोहा बनकर रेडी है। तो हमारी आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। एक बात और बोलेंगे, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, एकदम टेस्टी यम्मी इस पोहे के लिए।